हाय गाइस, आज मैं पसाट के ऊपर फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं गाइस। तो इसमें गाइस क्लस्टर मीटर में लाइट शो कर रहा है और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ क्या इशू है इसके अंदर। और हॉर्न का मेरा पहले का वीडियो है, तो गाइस मैं इसका हॉर्न नहीं बज रहा है और सेंटर लॉकिंग का भी इशू है, तो सब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। गाड़ी रिमोट से लॉक नहीं हो रही है, एक भी डोर लॉक नहीं हो रहा है, तो सब दिखाने वाला हूँ गाइस आज स्टेप बाय स्टेप क्या इशू है और शॉर्ट आउट करके बताऊँगा गाइस। और गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और गाइस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अभी, तो गाइस गाड़ी स्टार्ट किया मैंने और आप देख सकते हैं इसके क्लस्टर मीटर में सब लाइट शो कर रहा है। इसमें एयरबैग का है, ट्रैक्शन का है और एबीएस का है। और गाइस वो देख सकते हैं सिस्टम का लाइट एक ब्लिंक कर रहा है और बाकी लाइट का वाइपर का है सब। और गाड़ी स्टार्ट है गाइस, 1000 के ऊपर आरपीएम है आप देख सकते हैं। और हॉर्न देख सकते बज नहीं रहा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अगर अंदर का स्पिरल केबल अगर टूटा है तो कैसे पहचान करने का, बेसिकली गाइस इससे तो मालूम पड़ जाता है आपका जो एयरबैग का दिखा रहा है। बट और क्या इसका पहचान करने का है आपको दिखाता हूँ। अभी मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो म्यूजिक सिस्टम ऑन करने का और गाइस यहाँ से बजाने का, अभी एफएम मैंने ऑन कर दिया गाइस। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तो ये बाजू से चल रहा है गाइस। अब दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे चेंज हो रहा है, तो देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ से चेक करूँगा गाइस, तो गाइस यहाँ से वर्किंग कर रहा है और यहाँ से भी चल रहा है। तो ये रोल टूटने का अंदर जो स्पिरल केबल होता है जिसको कुछ क्लॉक स्प्रिंग या स्लिप रिंग जो भी बोलते हैं, बट इसको मैं स्पिरल केबल बोलता हूँ, अंदर जो रोल आता है अगर वो टूट जाता है कुछ डैमेज होता है। तो गाइस इस सिस्टम से आप पता कर सकते हैं कि सिस्टम यहाँ से स्टीयरिंग से ऑपरेट नहीं होता है यहाँ से। और ऑन का इशू तो और भी कुछ हो सकता है, तो ठीक है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अभी क्या इशू है, इसको स्कैन करेंगे। तो गाइस आज ये पसाट है और ये सेंटर लॉक के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये लॉक अनलॉक कुछ भी नहीं हो रहा है। और गाइस ये डोर खुला ही रहता है, लॉक नहीं हो रहा है, तो आज मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। ये VW पसाट है, डोर ट्रिम निकाल दिया हूँ और ये अंदर का भी निकालने वाला हूँ। ये कपलर है, ये निकाल दिया, आप देख सकते हैं। Thank you.
सब निकाला हूँ इधर का। तो ये पूरा डोर काफी जब ये निकाल रहा हूँ मैं डोर ट्रिम, देख सकते हैं आप। तो गाइज इसका सेंटर लॉक का इशू है, इसके लिए मैं निकाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा गाइज। तो गाइज जब ये मैं निकालूँगा और इधर अंदर स्क्रू आता घुमाऊँगा और ये निकालूँगा, यहाँ से ये निकालने का प्रोसेस होता है।